एक तेरे भरोसे पे। तुम पर हम है अटके यारा दू बीमार तेरा ही तेरा इंतजार है तो बस तुझसे प्यार है कहीं ना जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राम राम जी। कैसे हो आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है। जस्ट अभी क्लीनिंग वगैरह करके नहावा के आई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैं हेयर वॉश करती हूँ। और काफ़ी सारी क्लीनिंग आज मैंने की है, अंदर बाहर सब। और देखो इस तरह से मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने आज इस तरह से बीच से मांग निकाल के क्लिप लगाई हुई है। और यहाँ देखो मैं बना रही हूँ मैगी, आप देख सकते हो। आज मैं मैगी बना रही हूँ तो मैगी खाने का मन था। मतलब पड़ा हुआ था, पड़ा रहता कोई चीज़ तो लगता है कि लो बना लो, वरना फिर रह जाता है तो रह जाता है। तो वैसे ही बना रही। तो ये देखो मैंने इनका निकाल दिया है, इनको दे के आती हूँ और इसके बाद मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में। मैं बाद में खाऊँगी, मैं अभी नहीं खाऊँ। मैंने सोचा कि पहले से सब्जी छौंक देते हैं, इसके बाद मैं बैठ के आराम से अपना जो है मैगी खाऊँगी। और इसलिए मैं ऐसा मतलब मॉर्निंग में इसलिए जल्दी जल्दी करती हूँ ना, क्योंकि मुझे जो है वीडियो जो है लाइव करनी रहती है और लाइव में आप लोग से बातें करनी रहती। तो मुझे लगता है कि एक ही टाइम पर अगर मैं रहूँगी ना तो फिर आप लोग भी रहो, आप लोग को भी लगेगा हाँ 12:10 पे 12:15 पे आती हूँ मैं, तो आप लोग भी आ जाओगे अपना काम निपटा के। तो बस इसलिए मैंने कहा चलो सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, वो बनता रहेगा तो मैं अगर अपना जो है खा लूँगी मैगी और फिर सब्ज़ी भी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। मतलब मेरी रोटी सेकनी रहेगी। तो यहाँ देखो मैंने सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और बैंगन की। बस इसको लहसुन मिर्च से मैंने छौंक दिया था, आलू बैंगन डाल दिया है, इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए, नमक डाल दिए बस, और ये पक के रेडी हो जाएगा। टमाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा है, बट टमाटर है नहीं घर में तो मैंने इतना ही बना लिया है, इतना भी अच्छा लगता है बैंगन आलू का। और इसके बाद देखो अब मैं बैठ गई हूँ अपना लेके मैगी खाने के लिए और मैं इनसे बातें कर रही हूँ। टीवी भी चल रही है और मेरा यही रहता है, मैं बैठी रहती हूँ तो कुछ कुछ ना कुछ पक पकाती ही रहूँगी। बिना मुंह बंद किए नहीं बैठ सकती हूँ, या तो मैं इनसे लड़ूंगी या झगड़ूंगी या कुछ इनको बोलूँगी या सिखाऊँगी, मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, मेरी आदत है। और ये भी कहते हैं कि कितना बोलती हो, चुप रहो, टीवी देखो, टीवी चल रही है, तो कभी कभी तो ऐसा कहते हैं। तो चलो खा लो, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है, थोड़ी देर फिर आप लोग से भी बतियाती हूँ थोड़ा सा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं अपने आंगन में आज थोड़ा सा शूट कर रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं आ रही, तो मैंने कहाँ शूट करूँ, तो मैं यहाँ आंगन में चली आई हूँ। और आप देख सकते हो मैं विदाउट मेकअप हूँ, कुछ भी मेकअप मुझे इतना पसंद नहीं आता मेकअप करना, वो अजीब सा लगता है, कौन जाए मेकअप करे इतना। तो ब्लॉग का मतलब क्या होता है? ब्लॉग का मतलब ये तो नहीं होता ना कि मेकअप करके जो है हम जो है फिल्म बना रहे हो या सीरियल बना रहे हो तो खूब सारा मेकअप ताम झाम करके बैठ जाओ और जो है ब्लॉग बनाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। डेली ब्लॉग में हम लोग डेली की लाइफ में इतना मेकअप करके तो रहते नहीं है। मैंने बहुत से ब्लॉग देखे हैं जिसमें इतना ज़्यादा लोग मेकअप करके, मतलब उस ब्लॉग से आप क्या देख के सीखते हो कि हमें घर में जो है इतना मेकअप करके रहना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हमें घर में इतना मेकअप करके रहना चाहिए, उससे हमारी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है। हमारा जो नेचुरल लुक होता है ना उसी में हमें घर में रहना चाहिए। कभी कहीं आओ जाओ तो ही मेकअप करो, मुझे ऐसा लगता है। कितना मैं बोल रही हूँ आप लोग को, क्या लेक्चर देने लगी। मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने, खाना मेरा बन गया है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। और ये देखो यहाँ पर बन के रखा है, यहाँ रोटी रखी है, यहाँ सब्ज़ी रखी है और यहाँ बन के रखा हुआ है। यहाँ पर आगे बोल रही हूँ लाइट नहीं आ रही है, तो हस्बैंड जी भी मेरे नहीं है क्योंकि लाइट नहीं आ रही, तो उनको अजीब, मतलब आज धूप निकली है, देख रहे हो कितनी धूप निकली है, ये देखो आज धूप निकली हुई है। दो दिन से जो है खूब बारिश लगी हुई थी, आज धूप निकली है और तो लाइट नहीं आ रही, तो ये नीचे अपना बैठे होंगे, नीचे है जगह बैठने की तो वहाँ बैठ जाते हैं, अपना हवा हवा लगती है, मम्मी मम्मी भी रहती हैं, सब लोग तो वहीं बैठे होंगे। तो मैं तो जा रही हूँ खाने में क्योंकि मुझे तो भूख लग रही है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आज के ब्लॉग के साथ बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। और आज मैं किन सब्सक्राइबर का स्क्रीन शॉट, बढ़िया मुझे किसका मैसेज लगता है लगाने वाली हूँ लास्ट में, तो एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और मैं जिनका भी लगाऊँगा ना अपने घर वालों को भी दिखाइएगा कि देखो मैं इतना, मुझे इतना लोगों ने मान सम्मान दिया, दिखाइएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। आप जब अपने परिवार वालों को दिखाओगे कि मेरा मैसेज मेरा नाम लिया जा रहा है तो अच्छा लगता है, जैसे मुझे अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। चलो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स देखो, मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने अपना सब्ज़ी जो है निकाल लिया है और रोटी भी निकाल ली है, और रोटी मैं इसी में रखती हूँ ज़्यादातर। इसमें जो है रोटी ठंडी नहीं होती है, गर्म ही रहती है। तो ये टिफ़िन जो है मैंने मतलब ये लिए लेके आए थे अपने वहीं वहाँ से जहाँ ये काम करते ना वहीं से लेके आए थे, दिवाली पर लेके आए थे। और तब मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी शायद, तभी लेके आए थे। तो इसका भी दो सेट और भी रखा हुआ है, इसका जो है दो छोटा सेट भी है जिसमें सब्ज़ी वगैरह भी रख सकते हैं। और आज मैं इस तरह से अकेले बैठ के खा रही हूँ, कोई है भी नहीं। मैंने बताया ना वो नीचे बैठे हुए हैं, तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने खा लिया है अपना। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैंने कोई भी वीडियो जो है वो शूट नहीं किया था। ये शाम का टाइम हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो रात है, आपको खिड़की से दिख रहा होगा अंधेरा है। तो शाम का टाइम हो गया है, मतलब बज रहा होगा 5:30-6 कुछ ऐसे कुछ बज रहा होगा, टाइम का भी नहीं पता। तो यहाँ पर मैं जा रही थी थोड़ा सा नींबू का शरबत बनाने, तो इन्होंने भी कहा, मैंने इनसे पूछ लिया था कुछ भी करने से पहले पूछ लेना चाहिए ना, तो वरना फिर वेस्ट जाए तो क्या फ़ायदा। इनसे पूछ ली थी कि शरबत पीना है आपको, तो ये कहें कि हाँ पीना है। तो इसके बाद जो है मैं अपना यहाँ पे आ गई, फ्रिज में नींबू, ठंडा पानी, वही सब चीज़ें निकाल ली थी, और जो खाना बनेगा वो सब चीज़ें भी निकाल के इकट्ठा रख लूँगी फ्रिज से। और इसके बाद लग जाऊँगी अपना, पहले शरबत बनाती हूँ फिर इसके बाद। और वैसे भी फ्रेंड्स गर्मी के मौसम में जितना भी हो सके ना, आप अपने बॉडी को, शरीर को जो है पानी दीजिए, पानी पिलाइए, क्योंकि आपकी शरीर जो है ना बहुत ज़्यादा पसीना इस समय छोड़ती है गर्मी में, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी ना हो, इसलिए पानी की मात्रा आपको खूब ज़्यादा पीनी चाहिए। कहते हैं कि 72-75% आपके बॉडी में ना वाटर ही होता है, तो वाटर को खूब पीजिए, अपने डाइट में शामिल करिए, पानी पीजिए। अगर पानी नहीं पी पाते तो कोई अलग अलग तरीके से पीजिए, जैसे कि मैं ये शरबत पी रही हूँ, तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से आप पी सकते हो, गन्ने का जूस पी सकते हो, वाटर मेलन खाइए, उसमें खूब सारा पानी होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल करिए, अच्छा रहेगा आपके लाइफ के लिए। तो देखो ये मैं पी रही हूँ और बहुत टेस्टी लग रहा था फ्रेंड्स, ये अच्छा लगता है नींबू पानी। और इसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने कपड़े समेटने में, क्योंकि ये सारे कपड़े जो सूखे हुए थे ले आके मैं रख दी थी यहीं पर, तो इसके बाद इसको भी समेट के मैं अंदर रख देती हूँ। और 2 दिन से तो कपड़ा सूख ही नहीं रहा था, उसको क्या करती थी मैं, मतलब रात में क्या करती थी, ले आके यहाँ पे पंखा कूलर चलता था ना, तो यहीं पे अपना जो है टांग देते थे कमरे में, बेडरूम में, इधर उधर टांग देते थे। सूखा तो रहता ही था, मतलब हल्की हल्की सी वो अजीब सी गीलन सी रहती है ना, तो वो रह जाती थी, तो मैं टांग देती थी, सूख जाता था अपना। बट अब जो है आज धूप अच्छी निकली थी, तो पूरा कपड़ा जो है अच्छे से सूख गया था। और आज मैंने मैट वगैरह भी काफ़ी धोई थी, वो सब भी सूख गई थी, क्योंकि धूप निकले तो लगता है कि कर लो, वरना फिर पता नहीं क्या मौसम का, वैसे भी कुछ ठीक नहीं है कब क्या हो जाए। तो चलिए इसको जो है रख देते हैं जगह पे सारी चीज़ों को। और फ्रेंड्स ये देखिए, इसके बाद मेरा खाना भी बना लिया था मैंने, आलू टमाटर की सब्ज़ी, रोटी, और वो सैलड में खीरा ले लिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं कोई भी रेसिपी वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ आज। आज मैंने रेसिपी नहीं शूट किया, आज मैंने ब्लॉगिंग ही की है पूरी प्रॉपर तरीके से। और इसके हाँ तो फ्रेंड्स फाइनली अब मैं बैठी हुई हूँ, मैंने सोचा कि चलो कुछ अपने सब्सक्राइबर का ना मैं नाम ले लेती हूँ। तो आप लोग का नाम लेने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और मैंने ना आपके मोबाइल में जो है लिखा टॉर्च इसलिए जल रहा है ना, मैं लाइट बंद करके एडिटिंग कर रही थी, मैं फेस देखो कैसा हो गया है, ऐसा इसलिए हो गया ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इसलिए हो गया, और मैं नहाई नहीं हूँ, मना कर दिया नुकसान करेगा तो नहाई नहीं हूँ, इसलिए गर्मी सी लग रही है। तो चलिए मैं नाम ले लेती हूँ आप लोग का। एक है हमारी सोनिया ब्यूटी टिप्स जी, जिन्होंने मुझे कई बार कहा था कि दी मेरा नाम लेना, बट मैं भूल जा रही थी। तो सोनिया जी मैं आपका नाम ले लेती हूँ। और एक है हमारी हयाती वर्मा जी, जो इनकी आईडी अजय मिश्रा, अजय वर्मा ऐसे कुछ है, बट इनका नाम हयाती वर्मा जी है। तो थैंक यू सो मच डियर फॉर योर सपोर्ट। एक है हमारी रिया साहू जी, रिया जी मैं आपका मैसेज कई बार देखा है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव डियर। एक है हमारी अंश मॉम एंड फैशन है शायद उनके चैनल का नाम, मुझे पूरा नहीं सो हो रहा था, मुझे अंश मॉम एंड FA दिख रहा था, तो मुझे लगा कि फैशन ही होगा। तो इनका भी चैनल है, आप इनके चैनल पे भी जा सकते हो, सोनिया ब्यूटी टिप्स जी के भी चैनल पे जा सकते हो। और ये लोग जो है मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सबकी सपोर्ट, सबकी हेल्प ज़रूर करूँगी जितना भी मुझसे हो सकेगा। आप लोग के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे मैसेज करते रहिए। और एक हमारी सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, सारिका सिंह जी, उन्होंने कहा था मेरा नाम मत लेना, उनका मैसेज इतना अच्छा था, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, आप पढ़ना, भोजपुरी में उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने कहा था मेरे बच्चों का नाम ज़रूर ले लेना, तो मैं उनके बच्चों का नाम लेती हूँ, आद्या सिंह,
जो कि उनकी बेटी का है और उनका घर का नाम परी है, जो कि बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारी। जल्दी उसका बर्थडे भी आने वाला है, तो हेलो परी। और एक है उनके बेटे हैं शिवान सिंह, और उनका जो है घर का नाम ओम है। तो हेलो ओम बेटा, आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, मज़े से रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट योर एंड लव। और आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए, और दुआ भी करते रहिए कि मेरा चैनल भी जल्दी से ग्रो हो जाए। और मुझे इंस्टा पे जिसने भी फॉलो नहीं किया ना, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। इलाहाबादी ब्लॉगर अंबिका नाम रख लिया है मैंने, चेंज कर लिया, ताकि आप लोग फटाक से जो है मुझ पे मेरे इंस्टा आईडी पे पहुँच सको। ब्लॉग का करती हूँ एंड मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा, मेरे ब्लॉग में इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, कुछ अलग बन रहा होगा। चलो मिलूंगी बाद में, बाय बाय।